हे गाइस, अगर आपके पास भी एक एंड्रॉइड डिवाइस है और गाइस आप भी अपने डिवाइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं और नए नए फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस अपने जो अपने ओल्ड यूआई को देख के आप बोर हो चुके हैं, तो गाइस अभी एंड्रॉइड 12 का एक नया विजेट सामने आया जो कि गाइस आप अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में यूज कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फोन में भी एंड्रॉइड 12 के विजेट्स को जो इंस्टॉल कर सकते हैं और काफी अच्छा लुक अपने डिवाइस को दे सकते हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी फाइल्स की लिंक मिल जाएगी, आपको सबको डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर ओपन करके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि गाइस मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। सिंपली गाइस आपको सर्च बार पर क्लिक करके KWGT सर्च कर देना है। देन गाइस जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन आएगा आपको सिंपली जो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको इस एप्लीकेशन के सारे परमिशंस को एक एक करके जो एलो कर देना है। इसके बाद गाइस जो आपने डिस्क्रिप्शन से फाइल को डाउनलोड करा था आपको सिंपली क्या करना है, अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके जहाँ पर भी गाइस आपने उस फाइल को डाउनलोड करा था डिस्क्रिप्शन से आपको सिंपली उस फाइल को सर्च करना है। फाइल सर्च करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो ये फाइल आपको zip फॉर्मेट में मिलेगी तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपको फाइल पे जो क्लिक करना है, एक बार फाइल पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको सिंपली जो एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो उस फोल्डर को ओपन करना है, यहाँ पे गाइस आपको एंड्रॉइड 12 के लेटेस्ट वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे जो कि गाइस आपको काफ़ी हाई क्वालिटी में देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप इनमें से कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। देन गाइस आपको यहाँ पे KWGT प्रो का मतलब की मिल जाएगा, आपको सिंपली जो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इससे गाइस आप अपने उस एप्लीकेशन के प्रो फीचर्स को भी यूज़ कर पाएंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने होम स्क्रीन पर चले जाना है। तो गाइस जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो होम स्क्रीन पर चले जाना है। होम स्क्रीन पर जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो मैंने ये विजेट ऑलरेडी लगा रखा था तो मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो आपको विजेट को सेट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइस अलग अलग डिवाइस में अलग अलग जगह पर ये चीज़ें होती है तो आप अपने डिवाइस के लिए सर्च कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको सबसे नीचे स्क्रोल डाउन करके कोई सा भी विजेट का एक आइकन को जो मतलब अपने होम स्क्रीन पे लगा देना है। इसके बाद गाइस आपको इसको थोड़ा सा ड्रैग करना है और गाइस इसकी जो साइज है इसको आपको इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको वहाँ पे ऊपर की साइड में एक इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फाइल को जहाँ पर भी आपने रखा था डाउनलोड करके और एक्सट्रैक्ट करके आपको सिंपली उस फोल्डर को जो सर्च कर लेना है। फोल्डर को सर्च करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस फोल्डर को ओपन करना है। तो फोल्डर को ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो विजेट देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 12 का, आपको सिंपली उस पर क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना है। गाइस जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। गाइस जो विजेट है वो इंपोर्ट हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको विजेट पर क्लिक करना है। विजेट पर क्लिक करने के बाद गाइस आपका विजेट अगर सही से सेट नहीं होता तो आपको लेयर पर जाके इसके साइज को बढ़ाए या कम करके आप सेट कर सकते हैं ठीक से। तो गाइस जैसा कि मेरा विजेट तो अभी ठीक ठाक है तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक सेव का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपके सामने जो एंड्रॉइड 12 का विजेट आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे कॉन्टेंट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे मोबाइल कस्टमाइजेशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो गाइस जब तक के लिए चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। मिलते हैं किसी और इसी टाइप की वीडियो में।